हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसीवरेंस। आज हम यहाँ पे इनसाइट एस का डेली करंट अफेयर डिस्कस करने वाले 17 अक्टूबर 2020 का। यहाँ पे आप टॉपिक देख सकते हो, प्रीलिम्स कम्स मेंस, और उसके बाद में यहाँ पे प्रीलिम्स स्पेसिफिक टॉपिक है। ये सभी टॉपिक हम वन बाय वन डिस्कस करके नीचे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगती है सो आप कमेंट सेक्शन में मुझे वैसे बता सकते हो, क्योंकि टॉपिक बहुत सारे हैं एंड मतलब जल्दी कवर करना होता है। इट्स इम्पॉसिबल टू कवर विद इन 20 मिनट्स। अगर वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है सो आपको मतलब स्पीड कैसे चाहिए ये आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन के नीचे। सो स्टार्ट करते हैं। ये कुछ टॉपिक दिए हैं। हमारे फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। सो इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, अभी ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट क्या था। अभी यहाँ पे जो मैनेजिंग कमेटी है इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन की, इन्होंने यहाँ पे इलेक्ट किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ राज किरण राय जी एज अ एसोसिएशन चेयरमैन फॉर द 2020 से लेकर 2021 के लिए। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ये 1946 में यहाँ पे फॉर्म हुआ था। उसके बारे में यहाँ पे ये क्या है इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के बारे में यहाँ पे दिया है। एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है जो मैनेज करता है बैंकिंग इन इंडिया ऑपरेटिंग जो इंडिया में हो रहा है, एन एसोसिएशन ऑफ द इंडियन बैंक्स एंड जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं बेस इन मुंबई। सो एक इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के बारे में है। उसके बाद में ये फॉर्म हुआ था फॉर द डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम, और असिस्ट करता है मेंबर जो है बैंक के इन वेरियस वेज, इंक्लूड करता है जिसमें इंक्लूड है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू सिस्टम एंड अडॉप्शन ऑफ द स्टैंडर्ड अमंग द मेंबर्स। अब मेंबर्स कितने हैं यहाँ पे? इनिशियली यहाँ पे जो मेंबरशिप थी वो 22 बैंक्स इन इंडिया के लिए थी 1946 में। अब करंटली इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के यहाँ पे 237 बैंकिंग कंपनीज हैं ऑपरेटिंग इन इंडिया। 237 यहाँ पे मेंबर हैं। सो ये इतना ध्यान में रखना इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के बारे में। उसके बाद यहाँ पे आते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 का यहाँ पे रिलीज़ हुआ है। सो यहाँ पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है, ये रिपोर्ट रिव्यू करता है, पब्लिकेशंस रिलीज़ करते हैं एनुअली होता है। किसके द्वारा किया जाता है? वेल्थ हंगर लाइफ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड। सो ये दो इंस्टीट्यूशन है, इनके द्वारा किया जाता है, वेल्थ हंगर लाइफ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड। उसके बाद में यहाँ पे जो कंट्री की जो रैंक है वो किस पे मतलब किस पे डिपेंड होती है, तो यहाँ पे कुछ 4 इंडिकेटर्स दिए हैं, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टिलिटी। सिंपली आपको पता होना चाहिए कि अंडर नरिशमेंट क्या होता है। अंडर नरिशमेंट मतलब कैलोरिक जो इनटेक लेते हैं वो इनसफिशिएंट होता है। चाइल्ड वेस्टिंग मीन्स यहाँ पे जो एज के हिसाब से जो एज होता है उसके हिसाब से वेट मतलब कम होता है फॉर हाइट। और उसके बाद यहाँ पे चाइल्ड स्टंटिंग मतलब यहाँ पे लो हाइट होती है एज के हिसाब से। चाइल्ड मोर्टिलिटी में यहाँ पे अंडर 5 ईयर्स के अंदर ही मतलब डेथ हो जाती है। उसके बाद में यहाँ पे स्कोर दिया है, मतलब इंडिया जो स्कोर 100 पॉइंट स्केल होता है, यहाँ पे 0 मतलब अच्छा होता है एंड जो 100 होता है वो वर्स्ट होता है, ये यहाँ पे दिया है, आप पढ़ लेना। सो कुछ की फाइंडिंग्स के बारे में यहाँ पे दिया है कि फाइंडिंग्स इंडिया से रिलेटेड है। इंडिया का यहाँ पे हाईएस्ट प्रिवेलेंस ऑफ द वेस्ट चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स के जो हैं इन द वर्ल्ड, वो मतलब यहाँ पे डेथ ज़्यादा हो रही है, वो रिफ्लेक्ट करता है एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन है इंडिया में। इंडिया का रैंक यहाँ पे 94th आउट ऑफ 107 कंट्रीज में आया है, लोअर दैन द मतलब जो भी नेबर्स वगैरह, बांग्लादेश का 75 है, पाकिस्तान का 88 है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे इंडिया का जो सीरियस कैटेगरी में आता है 27.2 यहाँ पे स्कोर है। चाइल्ड स्टंटिंग रेट में यहाँ पे 37.4% है, चाइल्ड वेस्टिंग में यहाँ पे 17.3% दिया है, अंडर नरिशमेंट का जो रेट है ये मतलब 14% है एंड चाइल्ड मोर्टिलिटी का रेट ये 3.7% है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंफोग्राफिक में आपको दिया है, मतलब अदर जो हमारे नेम्बर्स वगैरह हैं उसका कंपेरिजन आप एक बार पॉज करके ये पढ़ लो, आपको अपने जो नेम्बर्स हैं पड़ोसी है देश हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो नो डील ब्रेग्जिट का है, यह भी इशू था क्योंकि जो बोरिस जॉनसन है उन्होंने मतलब कहा था यूके मस्ट यहाँ पे प्रीफर करेगा नो ट्रेड डील विद द यू मतलब यूरोपियन यूनियन फ्रॉम जनवरी। उसके बारे में यहाँ पे ये जो नो डील ब्रेग्जिट है ये रियली पॉसिबल है क्या, मतलब हाँ, बट कुछ फेलर्स वगैरह जो हुए उसको रिप्लेस किया है ट्रेडिंग अरेंजमेंट विद जो यूके में मतलब यहाँ पे छोड़ दिया था यूके ने यूरोपियन यूनियन को।
डील हुई थी जनवरी 1 को, और जो ट्रेडिंग है ऑन WTO टर्म्स को मतलब ध्यान में रखते हैं, यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस हुआ था टैरिफ एंड कोटा सिस्टम। उसके बाद में यहाँ पे ये विड्रॉल एग्रीमेंट हुआ था, ये अभी उसी मतलब जगह पर है, कुछ हुआ नहीं है। आयरिश बॉर्डर एंड जो सो कॉल्ड है मतलब उसे डाइवोर्स बिल बोलते हैं, ये अभी सेटल हुआ था अंडर इट्स टर्म, बट यहाँ पे जो भी मतलब जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व नहीं हो पाए, जैसे कि वैसे ही है। ये नो डील पॉसिबल है भी या नहीं है मतलब इसके बारे में कुछ पता नहीं है, बट नो डील माइट बी बेटर ऐसा बोला गया है। इसे नो ट्रेड डील ऐसा भी बोलते हैं। ये नो डील मतलब क्या है एग्जैक्टली, इसके बारे में देखते हैं। यूरोपियन यूनियन ये एक एडमेंट है, देर इज़ अ नो सच थिंग एज अ मैनेज्ड मतलब नो डील, ऐसा कुछ यूरोपियन यूनियन में ऐसा कुछ है नहीं, बट ये नो डील टू कम्फर्टेबल रिस्क है टर्निंग इट इंटू अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। यहाँ पे कुछ ऐसा प्रिवेंट नहीं किया जा रहा है यूरोपियन कमीशन फ्रॉम मेकिंग द कंटिजेंसी प्लान टू स्मूथ आउट सिग्निफिकेंट डिस्ट्रप्शन, बट ओनली यहाँ पे एक टेम्प्ररी है, यूनिलैटरल बेसिस है ओनली यहाँ पे, जो मतलब यूरोपियन का इंटरेस्ट यहाँ पे मतलब है ऐसा यहाँ पे बोला गया है। उसके बाद में यहाँ पे जो ट्रेड डील वगैरह यहाँ पे हुई नहीं है, यूके में कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज ही मतलब ग्रांट किए गए हैं टू एक्सेस द यूरोपियन मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ द इक्विवेलेंस, सो ये ध्यान में रखना। उसके बाद में यहाँ पे आपको मतलब जो ये डिस्क्राइब किया गया है ब्रेग्जिटर्स को, सो ये ध्यान में रखना। ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में रिलेशनशिप, ऑस्ट्रेलियन स्टाइल रिलेशनशिप, सो मतलब ये किससे रिलेटेड है, सो ये ध्यान में रखना। यूके वगैरह से रिलेटेड है, सो इन्होंने एडोप्ट किया है और उसको डिस्क्राइब किया है। उसके बाद में ब्रेग्जिट टाइमलाइन यहाँ पे दी है कब कब हुआ था, आप ये PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। कंक्लूजन में क्या बोला गया है, कंक्लूजन में बोला है इफ पॉइंट इज रीच व्हेन नो डील बिकम इनएविटेबल देन द इंटरेस्ट ऑफ द बोथ द साइड वुड बिकम इक्वली अलाइन इन अवॉइडिंग द कैटास्ट्रोफिक आउटकम। और यहाँ पे कुछ टेम्प्रेरी मेजर्स लिए इन प्लेस ऑफ द फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ व्हाट फ्यूचर रिलेशनशिप ब्रिटेन एंड यू का मतलब क्या रहेगा उसके बारे में। नो डील नॉट सुटेबल फॉर द लॉन्ग टर्म एंड इवेंचुअली फॉर द टू साइड विल नीड टू रिटर्न टू द नेगोशिएशन टेबल, मतलब ये कहा गया है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी नहीं है नो डील। साउथ चाइना सी ये बहुत न्यूज़ में रहता है, यहाँ पे फिलीपीन गवर्नमेंट ने यहाँ पे डिसाइड किया है रिज्यूम जो ऑयल एक्सप्लोरेशन है उनका, जो विद इन 320 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ द वाटर। सो ये मतलब क्यों कर रहे हैं, मतलब क्योंकि यूएन कन्वेंशन ऑफ द लॉज यूएन क्लॉज जो 1982 का है उसमें कहा गया है कि आप जो भी मतलब मैरिटाइम जोन होता है मतलब हर कंट्री का, जैसे इंडिया का यहाँ पे ऐसे जो मैरिटाइम जोन होता है उसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, मतलब कुछ जो भी मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं, ऑयल एक्सप्लोरेशन हो गया या फिर कुछ मेटल्स वगैरह हो गए। सो ये यूएन क्लॉज द्वारा हमें परमिशन दी जाती है। रीड बैंक ध्यान में रखना, यहाँ पे चाइना क्लेम कर रहा है, ये लोकेट है यहाँ पे साउथ चाइना सी डिस्प्यूटेड रीजन है, रीड बैंक ध्यान में रखना। उसके बाद में यहाँ पे ये डिस्प्यूट है टेरिटरी एंड सोवरेनिटी ओवर द ओशन एंड पासले एंड स्मार्टले आइलैंड, ये इसके बारे में आगे देखेंगे। ये टू आइलैंड पे मतलब बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं। उसके बाद में कौन क्या क्या क्लेम कर रहा है, इस 9-line मतलब कुछ डिफाइन किया है चाइना ने, 9-line ऐसा यहाँ पे एरिया है, 9-line ऐसा साउथ चाइना सी में मार्क किए हैं चाइना ने, सो उस पर ऊपर ये क्लेम करता है। वियतनाम से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए वियतनाम क्या क्लेम करता है, क्योंकि ये जो भी 9-line डिफाइन किया है पासले एंड स्मार्टले आइलैंड, ये 17th century में मतलब यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट मतलब यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं वियतनाम ऐसा बोल रहा है। सो ये 1940s के पहले मतलब वियतनाम के पास में था ऐसा वियतनाम क्लेम कर रहा है यहाँ पे। सो हर कोई कंट्री यहाँ पे कुछ क्लेम कर रहा है कुछ आइलैंड से रिलेटेड। सो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि किस कौन सी कंट्री क्या क्या कर रहा है। वियतनाम स्पार्टलैंड पासलैंड स्पार्टले आइलैंड कर रहा है क्योंकि वो वियतनाम के पास में है। इसके बाद में फिलीपींस क्या क्लेम कर रहा है, ये स्कारबोरो शॉल ये उसे हंगयांग आइलैंड भी बोलते हैं चाइना में। ये 100 miles 160 किलोमीटर दूर है फिलीपींस से एंड 500 miles दूर है चाइना से, फिर भी यहाँ पे चाइना क्लेम कर रहा है। उसके बाद में मलेशिया ब्रुनेई की भी मतलब कुछ यहाँ पे क्लेम्स हैं और
मलेशिया का मतलब यहाँ पे क्लेम्स कर रहा है स्मॉल नंबर ऑफ आइलैंड इन स्पार्टले, और बट ब्रुनेई ऐसा कुछ नहीं कर रहा है डिस्प्यूटेड आयरन में, वो कुछ भी क्लेम नहीं कर रहा है। ये आपको मैप मतलब पता होना चाहिए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जा सकते हैं स्पार्टले आइलैंड, पासले आइलैंड है स्पार्टले आइलैंड, मतलब नॉर्थ से साउथ आपको पता होना चाहिए, पहले पासले आइलैंड स्पार्टले आइलैंड आता है। सो ये कुछ रीफ हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, हुज रीफ्स हैं, सूबी रीफ्स हैं, गैवन रीफ्स हैं, मिशिफ रीफ्स हैं, जॉनसन साउथ, सबको ये सब कुछ पता होना चाहिए। मतलब अगर क्वेश्चन आ गया ये रीफ कहाँ कहाँ लोकेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि साउथ चाइना में ये है रीफ, चाइना इज़ बिल्डिंग इनटू द आर्टिफिशियल आइलैंड, मतलब कुछ आर्टिफिशियल आइलैंड भी बना रहा है ये। नटुना आइलैंड न्यूज़ में था, इंडोनेशिया या का मतलब यहाँ पे क्लेम करता है, और ये मलेशिया है, ब्रुनेई है, ये बोर्नियो आइलैंड जो है यहाँ पे इंडोनेशिया रहता है, मलेशिया है और ब्रुनेई है। सो ये पूरा लोकेशन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद न्यू स्टार्ट ट्रीटी देखते हैं। हाँ, न्यू स्टार्ट ट्रीटी अभी क्या हुआ है कि मतलब जो प्रेसिडेंट है रशिया के व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने प्रपोज़ किया है 1 ईयर एक्सटेंशन विदाउट कंडीशन ऑफ द लास्ट मेजर न्यूक्लियर आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। अभी ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी किसके बीच में है? रशिया एंड यूएस के बीच में है। सो ये एक न्यूक्लियर आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी है बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका एंड रशिया, और यहाँ पे इसे फॉर्मल नेम क्या था इसका, मेजर्स फॉर द फर्दर रिडक्शन एंड लिमिटेशन ऑफ द स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स, और ये साइन किया था 8 अप्रैल 2010 इन प्रयाग, आफ्टर रेटिफिकेशन एंटर इंटर फोर्स, ये कब फोर्स में आया था 2011 में। सो ऐसे भी मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कब साइन किया था, कब रेटिफाई हुआ, और रिप्लेस किया इसने ट्रीटी ऑफ मॉस्को जिसे शॉर्ट बोलते हैं, ये एक्सपायर हुआ था 2012 को। उसके बाद में यहाँ पे फॉलो हुआ स्टार्ट वन ट्रीटी, वो एक्सपायर हुई 2009 को, प्रपोज़ किया स्टार्ट टू ट्रीटी, और ये कभी मतलब फोर्स में नहीं आया, विच नेवर इंटू फोर्स, और स्टार्ट थ्री ट्रीटी मतलब यहाँ पे कुछ नेगोशिएशन चल रहे थे बट यहाँ पे कुछ कंक्लूजन नहीं हुआ। अंडर द ट्रीटी यहाँ पे ट्रीटी में क्या हुआ, नंबर ऑफ द स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च हुए थे वो रिड्यूस करना था बाय हाफ, मतलब आधे करने थे। उसके बाद में न्यू इंस्पेक्शन और वेरिफिकेशन ऑफ द रेजिम एस्टेब्लिश हुआ था, रिप्लेस करना था शॉर्ट मेकानिज्म को, और जो नंबर ऑफ डिप्लॉयड स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वारहेड्स थे उसको लिमिट करना था टू 1550, मतलब 1550 नंबर ऑफ द डिप्लॉय एंड नॉन डिप्लॉय इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थे, ICBM लॉन्चर्स, सबमरीन लॉन्चर्स, बैलिस्टिक मिसाइल एंड जो हेवी बॉम्बर्स इक्विप थे फॉर द न्यूक्लियर आर्मामेंट, इनको भी मतलब यहाँ पे 800 में लिमिट करना था। सो ऐसे कुछ यहाँ पे इस ट्रीटी के अंदर ये दिया गया है टाइमलाइन टू मीट दिस टारगेट, क्या टाइमलाइंस है। सो यहाँ पे 7 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रीटी ये आने वाला था फोर्स में, उसके बाद में यहाँ पे लास्ट 10 ईयर्स विद एन ऑप्शन टू रिन्यू इट फॉर अप टू द 5 ईयर्स अपॉन द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टी। सो ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इन दो कंट्री के बीच में है। उसके बाद में GS3 पेपर से रिलेटेड यहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये RBI ने मतलब यहाँ पे अभी ये कंडक्ट किया ओपन मार्केट ऑपरेशन फॉर द परचेज ऑफ द स्टेट डेवलपमेंट लोन अक्टूबर 9 को। RBI ये परचेस करता है SDL फॉर द मल्टी सिक्योरिटी ऑक्शन यूजिंग द मल्टीपल प्राइस मेथड। यहाँ पे सिक्योरिटी वाइज नोटिफाइड अमाउंट नहीं है बट OMA के बारे में आपको पता होना चाहिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सेल एंड परचेस करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड ट्रेजरी बिल बाय द RBI और जो सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री है हमारे इंडिया का। ऑब्जेक्टिव क्या है, रेगुलेट करना, टू रेगुलेट द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, मतलब मार्केट में मनी को सब जो सप्लाई है उसको रेगुलेट करना। इट इज़ वन ऑफ द क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेंटेंस, क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल है। अब ये कैसे होता है, RBI कैरीज करता है, कैरीज ओपन मार्केट ऑपरेशन थ्रू द कमर्शियल बैंक, एंड यहाँ पे जो डील होता है वो डायरेक्टली नहीं होता है विद द पब्लिक के साथ में। OMO एंड लिक्विडिटी, इसमें मतलब यहाँ पे कुछ कंपैरिजन दिया है, सेंट्रल बैंक यहाँ पे चाहता है कि जो इंक्रीज मतलब करना है लिक्विडिटी इनटू द मॉनेटरी पॉलिसी, इसके लिए वो बाय करे गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट, और जो प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक विद द लिक्विडिटी इन, और जो सिक्योरिटीज़ है उसको सेल करता है, जिससे क्या होता है लिक्विडिटी में मतलब हम मेंटेन कर सकते हैं, कब्ज कर सकते हैं। सेंट्रल बैंक इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है मनी सप्लाई एंड इम्प्लॉयज करता है शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स को। अब RBI एम्प्लॉयज टू काइंड्स ऑफ द OMA, आउटराइट परचेस जिसे पेमो बोलते हैं एंड रीपर्चेस एग्रीमेंट जिसे रेपो बोलते हैं, और जो पेमो होता है दिस परमानेंट, ये परमानेंट होता है, इन्वॉल्व होता है आउटराइट सेलिंग और बाइंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और जो रेपो होता है रीपर्चेस एग्रीमेंट यानी शॉर्ट टर्म एंड सब्जेक्ट टू द रीपर्चेस होता है। सो ये OMA के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंश्योरेंस अम्बेंसमेंट ये क्या होता है, एक पब्लिक
अमेंडमेंट ऑफिसर होते हैं वो इंश्योर करता है प्रॉपर एंड टाइमली डिस्पोजल ऑफ द कंप्लेंट, जो भी कंप्लेंट आती है है ना उससे रिलेटेड ये उसका निराकरण करता है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहाँ पे एडवाइस किया है पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस को अपॉइंट करने के लिए नोडल ऑफिस ऑफ द ईच ऑफ द 17 इंश्योरेंस अमेंडमेंट ऑफिसर। सो इंश्योरेंस अमेंडमेंट्स क्या है, क्रिएट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इंडिविजुअल पॉलिसी होल्डर जो कंप्लेंट को सेटल आउट करता है अब द कोर्ट सिस्टम की तरह। यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एंड इम्पार्शियल होता है, मतलब ये कौन अप्रोच करता है, एनी पर्सन अप्रोच यहाँ पे कर सकते हैं, ग्रीवेंसेस कर सकते हैं अगेंस्ट द एनी इश्यूअर मे हिमसेल्फ और थ्रू हिज लीगल हेयर्स नॉमिनी असाइनी जो भी मतलब सक्सेसर वगैरह है नॉमिनी है असाइनी है मेक कंप्लेंट कर सकता है इन राइटिंग टू द इंश्योरेंस अमेंडमेंट। यहाँ पे कौन अप्रोच कर सकता है विद द कंप्लेंट ओनली, मतलब किसके द्वारा, वन हैज़ द फर्स्ट अप्रोच द इंश्योरेंस कंपनी विद द कंप्लेंट, मतलब जिसका मतलब रिजेक्ट हुआ है नॉट रिजॉल्व टू इट्स सेटिस्फेक्शन और यहाँ पे रिप्लाई नहीं किया गया है 30 डेज से, वो मतलब यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं अम्बेडसमैन को। और अपॉइंटमेंट कौन करता है, इसका मतलब एक पर्सन होता है इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री सिविल और जुडिशियल सर्विसेज एंड ये अपॉइंट किया जाता है इंश्योरेंस काउंसिल द्वारा। सो ये ध्यान में रखना। और सर्व करता है टर्म ऑफ द इंश्योरेंस अमेंडमेंट 3 ईयर्स के लिए, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 3 साल के लिए होता है। सेटलमेंट प्रोसेस होता है, रिकमेंडेशन होता है अवार्ड द्वारा एंड वंस द अवार्ड इज पास, यहाँ पे कुछ दिया है मतलब विद इन 30 डेज के अंदर यहाँ पे रिसिप्ट ऑफ द अवार्ड आपको मिलेगा। इंटीमेट करता है कंप्लेंस ऑफ द सेम अमेंडमेंट, सो ऐसा यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ फैक्ट फॉर द फिलिम्स रिलेटेड हम देखते हैं। कैस्पियन वार गेम्स, ये रशिया ने किक ऑफ किया है कैस्पियन वार गेम्स, ये वार गेम्स है यहाँ पे मतलब नॉर्थ ऑफ द अजरबैजान एप्शेरोन पेनिनसुला में यहाँ पे ये हुआ था। उसके बाद में एनी स्टे ऑन द प्रोसीडिंग इज़ वैलिड फॉर ओनली फॉर द 6 मंथ, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है जो भी मतलब स्टेज लगाए गए हैं मतलब प्रोसीडिंग पे वो सिर्फ 6 साल ही वैलिड रह सकते हैं। उसके बाद जोजिला टनल के बारे में देखते हैं, ये कहाँ बनाया गया है, बिटवीन द श्रीनगर वैली एंड लेह की फैक्ट देखते हैं। ये एशिया का लार्जेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल है और ये कनेक्ट करता है श्रीनगर द्रास कारगिल लेह टनल थ्रू द फेमस जोजिला पास। कहाँ पे लोकेटेड है ये, 11,500 फीट अबो द सी लेवल ऑल वेदर जोजिला टनल है। ये 14.15 किलोमीटर लॉन्ग है, इंश्योर करता है रोड कनेक्टिविटी इवन ड्यूरिंग द विंटर्स में भी ये अच्छे तरीके से काम करेगा। ये यहाँ पे ट्रैवल करता है 434 किलोमीटर श्रीनगर कारगिल लेह सेक्शन NH1 फ्री फ्रॉम द एवलेंचेस, मतलब यहाँ पे जो पहाड़ वगैरह गिरते हैं मतलब कुछ इरोजन वगैरह होता है पत्थर वगैरह गिरते हैं उन सभी को मतलब ये उससे फ्री है। एनहांस सेफ्टी है, यहाँ पे रिड्यूस हुआ है ट्रैवल टाइम मोर देन द 3 आवर्स टू जस्ट 15 मिनट, मतलब 15 मिनट में होगा यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे राष्ट्रीय आजीविका मिशन के बारे में दिया है, ऑफिशियल नेम क्या है इसका, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM। इंप्लीमेंट कौन करता है, नेशनल रूरल डेवलपमेंट, इसका मिशन ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑर्गेनाइज करना रूरल पुअर वुमेन इंटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड कंटिन्यूसली नर्चरिंग द सपोर्टिंग करना उनको टू टेक द इकोनॉमिक एक्टिविटीज सो दैट दे कम आउट ऑफ द एब्जेक्ट पॉवर्टी, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा जो सपोर्ट करना मतलब वुमेन्स को जो भी रूरल विलेजेस में जो पुअर वुमेन्स हैं उनके लिए है, ये राष्ट्रीय आजीविका मिशन। जब सब स्कीम इसके अंडर क्या है, NRLM के इसमें रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये एनेबल करता है ट्रेनिंग टू टेक द बैंक क्रेडिट एंड स्टार्ट हिज हर ओन माइक्रो एंटरप्राइज करने के लिए स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेनरशिप प्रोग्राम है SVEP फैसिलिट करता है रूरल पुअर फॉर सेटिंग अप द माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। सो ऐसे 3 यहाँ पे सब स्कीम्स यहाँ पे दिए हैं, जो आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना है ये फैसिलिट करता है जो रूरल एरियाज हैं और वहाँ के लोगों को और प्रोवाइड करता है सेम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द रूरल पुअर। सो अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा सो आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो UPSC Perseverance 91 और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। बहुत मेहनत लगती है सो अपलोड करना, एडिट करना, उसके बाद में एक दो बार पढ़ना उससे पहले, उसके बाद अपलोड करना। अगर आप शेयर कर सकते हो सो इट विल मोटिवेट मी एंड बूस्ट मी अबाउट
टू कम अप विद दिस न्यू इनिशिएटिव एंड मोर वीडियोस ऑन दिस प्लेटफॉर्म. सो मुझे भी थोड़ा मतलब हेल्प होंगी इससे. थैंक यू सो मच. गुड नाइट.